रोजे से रुखसत किसके लिए? हम सब जानते हैं कि रोजा एक फर्ज इबादत है। अगर कोई शख्स जानबूझकर बगैर उज्र के रमजान का एक रोजा भी छोड़ देता है और बाद में वो जिंदगी भर भी रोजे रखता है तो उस एक रोजे के अजर को नहीं पा सकता जो उसने रमजान में छोड़ दिया। इस कदर अजर और सवाब के बावजूद अल्लाह सुभान व तआला ने कुछ ऐसी हालतों में रोजा छोड़ने की इजाजत भी दी जिनमें रोजा रखना इंसान पर बहुत भारी हो सकता है, बहुत दुश्वार हो सकता है। हमारे दीन का हुसन ही यही है कि वो दीन फितरत है, उसमें किसी भी इंसान पर नारवा बोझ नहीं डाला गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसकी वुस्सत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, उसको तकलीफ नहीं देता। बीमार को भी रोजा न रखने की रुख्सत दी गई है, लेकिन बीमारी कैसी बीमारी हो जिसमें इंसान रोजा न रखे? यकीनन वो बीमारी जिसमें रोजा रखने पर बीमारी में इजाफे का अंदेशा हो या जान जाने का खतरा हो। इसके अलावा ऐसे बूढ़े लोग जो बजाहिर किसी बीमारी का शिकार नहीं लेकिन बुढ़ापा बजाते खुद उनके लिए एक बीमारी और कमजोरी की हैसियत रखता है, उनके लिए भी रोजा न रखने की रुख्सत है। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि बूढ़े आदमी को रोजा न रखने की रुख्सत दी गई है, लेकिन वह हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे और उस पर कोई कजा नहीं है। और बीमार शख्स अगर सेहत याब हो जाए तो आम दिनों में वो अपने रोजों की कजा रख सकता है, यानी गिनती मुकम्मल करना होगी। अगर कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में घिर गया है जिससे उसे कभी भी सेहत की तवक्को नहीं, तो उसे चाहिए कि वो रमजान में ही अपने रोजों का फिदिया अदा कर दे। और एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन का खाना है, तो इस तरह अगर वो रमजान के बाद रोजों की कजा नहीं भी रखता तो इंशाल्लाह उसका कफारा हो जाएगा। इसी तरह कुछ हालतें ऐसी हैं जो बराह रास्त बीमारी के जुमरे में तो नहीं आती लेकिन बीमारी से करीब तर है। मसलन हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत, इनको भी रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। हदीस में आता है, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर को रोजा मुअख्खर करने और निस नमाज की रुख्सत दी है, जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोजा मुअख्खर करने की रुख्सत दी है। यानी ऐसी खवातीन भी इस हालत में रोजा न रखें लेकिन बाद में वो अपने रोजों की कजा दें। इसी तरह हाइजा औरत, उसे भी इन अयाम में रोजा नहीं रखना चाहिए, हाँ बाद में वो भी अपने रोजों की कजा देगी। कि रोजा छोड़ने की रियायत खास तौर पर मुसाफिर के लिए है। इस सिलसिले में एक हदीस भी हमारे सामने है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमजा बिन अमर असलमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? और वो कसरत से रोजा रखने वाले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख, चाहे तो ना रख। गोया इस मामले में चॉइस दे दी गई कि जो शख्स इस्तेआत रखता हो वो रोजा रख भी सकता है और जो छोड़ना चाहता हो वो छोड़ भी सकता है। सहाबा कराम का तर्ज अमल हमें कुछ यूं पता चलता है कि उनमें से बाज लोग रोजा रखा करते थे और बाज नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद कोई एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहता था। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हम 16वें रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले, हम में से बाज लोगों ने रोजा रखा और बाज लोगों ने छोड़ दिया। न रोजादार ने बेरोजा पर एतराज किया और न बेरोज ने रोजादार पर कोई एतराज किया, यानी दोनों ही अपने आप को दुरुस्त समझते थे और कोई किसी पर ऐब नहीं लगाता था, चूंकि दोनों हालतें दुरुस्त हालतें थी। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में मक्का का सफर इख्तियार किया। जब मकामे कदीद पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कर दिया और लोगों ने भी ऐसा ही किया। इससे ये भी पता चलता है कि एक मुसाफिर अगर घर से रोजा रख लेता है और सफर में उसको निभाने में मशक्कत पाता है
तो उसे इफ्तार की भी इजाजत है। एक और रवायत में आता है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान सफर लोगों का हुजूम देखा। लोग एक आदमी पर साया किए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है? लोगों ने अर्ज किया, ये शख्स रोजादार है। आपने फरमाया, दौरान सफर रोजा रखना नेकी नहीं है, चूंकि रुखसत है इसलिए कोई भी शख्स मशक्कत में पड़कर अगर सफर में रोजा रखता है तो ऐसा करने से कोई नेकी में इजाफा नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि दीन की दी हुई रुखसतों से हमें फायदा उठाना चाहिए। एक और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला जिस तरह इंसान के लिए पाबंदियों को कबूल करना पसंद करते हैं, इसी तरह वो अपने बंदों के लिए ये बात भी पसंद करते हैं कि बंदे अल्लाह ताला की दी हुई रुखसतों से फायदा उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला से बढ़कर हमें कोई नहीं जानता, हमारी नफ्सियात से उससे बढ़कर कोई वाकिफ नहीं, लिहाजा उसको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कौन शख्स कितना बोझ उठा सकता है और किस हाल में कैसा तर्ज अमल इख्तियार कर सकता है। इसलिए जहाँ कहीं रुखसत का मामला हो वहाँ रुखसत से फायदा उठाना भी नेकी है। तो ये चंद एक सूरतें ऐसी थी जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस फर्ज की अदायगी में लोगों को रुखसत दी है। नंबर एक मुसाफिर, नंबर दो बीमार, नंबर तीन बूढ़े लोग, नंबर चार हाइजा हामिला और दूध पिलाने वाली औरत।